Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन वअसीरा। अल्लाह सुब्हान व तआला ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को हुक्म फरमा रहे हैं कि मुझे याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, ये अल्लाह का हुक्म है। इस हुक्म के बाद लाजिम है हर ईमान वाले पर, औरत हो या मर्द, अल्लाह के ज़िक्र को पकड़े, अल्लाह को याद करे। अल्लाह को जो याद नहीं करता, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान फरमाते हैं, वो मुझे भूल गया है। इंसान जो है वो अशरफ मखलूकात है, अशरफ है, सबसे बड़े हैं, और जितनी भी मखलूक है इसके अलावा वो सारी जो है इससे कम दर्जे पर है, बल्कि ये समझें कि खादिम है सारे इंसान के। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके तो ड्यूटी लगाई है कि हमारी खिदमत करें। शहद की मक्खी जो है शहद माँ बनाकर ख़ुद भी नहीं खाती, बेचती भी नहीं, बल्कि हमें देती है। हुक्म है अल्लाह का कि इसकी खिदमत कर दो, शहद पहुँचाओ। मुर्गियों को हुक्म है कि इनको अंडे दो। समंदरों को हुक्म है कि इनको मछलियाँ दो। हवाओं को हुक्म है कि इनके लिए चलो और बादलों को जमा करो, उनके लिए पानी बरसाओ। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया है कि इनके लिए अनाज पैदा करो, खाने की चीज़ें पैदा करो। दरख्तों को हुक्म दिया है कि इनके लिए फल पैदा करो। सब कायनात की एक एक चीज़ जो है वो अपनी ड्यूटी पर है, लेकिन उसके साथ ही क्या है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि कोई चीज़ भी कायनात की ऐसी नहीं, कुरान कहता है, जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो। हर चीज़ जो है अल्लाह को याद करती है, और इंसान की खिदमत भी करती है। ताज्जुब की बात है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को खाए, वो जो हमारी खिदमत कर रही है उनकी चीज़ों को तो हम खाएं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से हम गाफिल रहें। किस कदर अल्लाह की नाराज़गी का बायस है ये चीज़, सोचें ज़रा। इसको कहा जाता है नमक हराम, कि अल्लाह ताला की नेमत भी इंसान खाए और अल्लाह को याद ना करे, अल्लाह का जिक्र ना करे। अल्लाह तो इतने करीम हैं कि तो अल्लाह का हुक्म है जो करना ही है हमने, इससे तो मुंह मोड़ ही नहीं सकता आदमी, कैसे ना जिक्र करे।
लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने कैसे रहीम और करीम इंसानों पर के बावजूद अपने हुक्म के अल्लाह ताला ने जिक्र पे बड़े बड़े इनामात भी रखे हैं, खाली नहीं छोड़ा। हुक्म भी मेरा मानो इंशाल्लाह, और जिक्र करने पे इनामात भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। कम ना, बहुत इनाम अल्लाह ने दिए, हर तरीके से दिए। खाली इंसान जिक्र करता है, अकेला जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसको भी इनामात देता है। और अगर जमात की शक्ल में करता है, उसके भी अल्लाह ताला ने इनाम मुकर्रर फरमाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो सहाबी हैं, तिर्मिज़ी में है, अहमद में है, मशकात में है, मुस्लिम में ये हदीस है, और ख़ुद फ़ज़ाइल अमार में ये हदीस हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने नकल की है। ये हदीस कई दफ़ों मैं आपको सुना चुका हूँ, ये हदीस कि जब कोई जमात अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होती है, मकसद क्या होता है? अल्लाह को याद करना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जमा किया है, अल्लाह की इस नेमत पे शुक्र भी करते रहें। जब ऐसी कोई जमात अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होती है, नबी करीम सब निशात फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से चार इनामात उस पर नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। ये रमज़ान है, सोचें आप, चार इनाम फिर फौर उस पर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद, हदीस को स्टार्ट ही करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गवाही देते हैं इस चीज़ की कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है। दो सहाबी बयान फरमाते हैं इसको कि जब कोई जमात इस तरह इकट्ठी हो और बैठ के अल्लाह का जिक्र करती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चार इनाम उस पर इनायत फरमाते हैं। खफ्फत हुमुल मलाइकतु, पहला इनाम तो यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं उस सिवा पर, और उस पूरी जमात को सब तरफ से घेर लेते हैं। खफ्फत हुमुल मलाइकतु, और फिर फरमाते हैं किसके बाद? गशियतुमुर रहमा, अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत जो है उस पूरी जमात को ढांप लेती है। अल्लाह अकबर, हम इस काबिल हैं बताएं? ये फजल किस चीज़ का है कि जिक्र की नियत करके हम यहाँ बैठे हैं इस मस्जिद में, ये इनाम मिल रहे हैं हमें अल्लाह के फजल से। खफ्फतुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत जो है उनको, गशियतुमुर रहमा, उसको ढांपती है। और फिर फरमाते हैं इसके बाद तीसरा इनाम क्या है? और नज़लत अलैहिम सकीना, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत उनको ढांप लेती है। और नज़लत अलैहिम सकीना था, और अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर सकीना नाजिल होना शुरू हो जाता है। सकीना क्या चीज़ है? ये इस पर बहुत मुफस्सिरीन ने बात की है, बस ये समझ लें कि जन्नत का ख़ास एक इनाम है जो जन्नतियों को अता फरमाया जाएगा। सब जन्नतियों के लिए है, जब वो जन्नती जन्नत में जाएगा तो उसको इस चीज़ से नवाजा जाएगा, एक सकीना दिया जाएगा उनको। वो सकीना एक ऐसी चीज़ होगी कि दुनिया के जो गम मुसीबतें जो हम सारी ज़िंदगी झेलते रहते हैं, कैसी कैसी मुसीबतें इंसान पे आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी का सफ़र है, खाली तो नहीं है। तो जब इसे थक हार कर इंसान कब्र से निकल के, हाशर से निकल के, बड़े बड़े इम्तहानों से निकल कर जिस वक्त जन्नत में पहुँचेगा, तो पहला इनाम ये दिया जाएगा, सकीना दिया जाएगा, जिससे सारे गम उसके ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ फरामोश हो जाएगा। जैसे कि इंजेक्शन लगा दें, आदमी बेहोश हो जाता है, याद ही रहेगा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। एक अजीब चीज़ है सकीना, ये बिलखसूस अल्लाह सुब्हान तआला ने उस जमात को ज़मीन पर अता फरमाते हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठ जाते हैं, अंदाज़ा लगे। और चौथा इनाम जो इसमें बताया है, अल्लाह वज़क़र हुमुल्लाह फ़मन इंदहू, हदीस है सुबहानल्लाह, कि अल्लाह सुबहाना ताला अपनी ख़ास मजलिस के अंदर तफक्कर के साथ उस जमात का ज़िक्र करते हैं। वज़क़र हुमुल्लाह, अल्लाह ताला, ये अब ज़रा सोचें कहाँ हमारी औकात, क्या हमारी हैसियत, अंदाज़ा लगाएं किस काबिल हैं हम, कितने बड़े अल्लाह ने इनाम अता फरमा दिए, सिर्फ किस वजह से कि सिर्फ एक नीयत लेके हम थोड़ी देर के लिए बैठे कि अल्लाह को याद कर लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह
अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों देखो इसे नामों की तरफ देखो मेरे भाई, कितनी गफलत करते हैं हम लोग, सोचते जरा क्यों भागते हैं अल्लाह के जिक्र से। ये कुरान भी शायद है, हदीस भी शायद है, बस क्यों हमें नफ्स हमें बर्बाद करता है, अल्लाह के जिक्र से दूर लेकर जाता है। कुरान कह रहे हैं ये अहल नज़कुल्ला उस जिक्र के साथ, खाली जिक्र नहीं कहा, जिक्रन कसीरा कहा अल्लाह ताला ने, जिसको दावत देते हैं ना कि यार खाओ खूब खाओ, उसका मतलब है बहुत ही अच्छी कोई डिश है जो मेहमान खिला रहा है, मेहमान को दी जा रही है, भाई तकल्लुफ ना करो खूब खाओ, बेहतरीन चिकन बना है, बेहतरीन फला चीज़ बनी है, कहा जाता है ना। तो अल्लाह ताला यही नहीं कहा या अल्लज़ीन आमनू, जिक्र ही नहीं कहा, वो जिक्रन कसीरा कहा। और इस पर एक अजीब चीज़ देखें आप कि वाहिद ये डिश है अल्लाह की तरफ से इबादत की, वाहिद कोई ऐसी कोई डिश आप देखा रहे जिसके साथ कसीर का लफ्ज आया। हज जिंदगी में एक दफ़ा, रोज़े अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिए गए हैं आपको, ठीक है ना, नमाज पांच वक्त नमाज फ़र्ज है बस, ज़कात उसके भी हद मुकर्रर कर दी, यही है ना सारा, कहीं भी अल्लाह ताला नहीं कहा, लेकिन जहाँ भी जिक्र का लफ्ज़ आया है वहाँ क्या कहा गया है, कसीरा, जितना कसरत उसमें कहा गया उतनी पीछे भागते हैं। दरअसल ये रमज़ान का मौसम हो, असर का वक्त हो, असर और मगरिब का ये पीक वक्त है, पीक टॉप वक्त है जिसमें अल्लाह की रहमतें उतरती हैं रोज़दारों पर, रहमतें उतरती हैं, फजल उतरता है, और ऐसी इबादत हमारे पास मौजूद हो, ये लोग बैठने वाले हैं बताओ, इतनी समझदार हैं हम, ये कुरान पढ़ते हैं हम, यही हम हदीसें सुनते हैं, क्या ये हम उलमा कराम से बातें सुनते हैं, यही हमारे पर असर होता है, हमारे दिलों पत्थर हो गए, सुम मुन बुक मुन, और क्या है अल्लाह ताला का ये सुम बुक की और क्या चीज़ होती है बताओ। लालच की मामला कि आप दरवाजे के बाहर मैं कह दूँ कि जनाब 10,000 pounds की गड्डी मिल रही है भाई जल्दी आओ, 5 minutes हैं, मेरा ख्याल तो हर आदमी जख्मी हो जाए पहुँचने के लिए, हर आदमी जख्मी हो जाए, ये वर्बल नहीं हकीकत बात है, इसकी हकीकत ये है ना कि हम दुनिया की तरफ भागते हैं, जनाब यहाँ से ये मिलेगा फलां से मिलेगा, यही तो हम करते हैं सारी ज़िंदगी, तुम एक मिसाल दी है छोटी सी, ज़िंदगी की तरफ भागना हमारा दुनिया ही की तरफ है गफलत का, आप सोचें ना, तो ये वजह क्या है कि हमारे तो जहन बिल्कुल मौकूफ़ कर दिए गए, नफ्स और शैतान ने ऐसा जकड़ लिया गया है, ऐसी आयात को बार बार सुने, मैं ये हदीस बार बार पढ़ता हूँ अपनी तकबीयत के लिए, मैं तो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर आदमी हूँ, आप तो माशाल्लाह आ भी गए, मैं तो शायद आता भी ना, तो ये तो इसलिए बार बार कुरान को पढ़ना है, बार बार हमने हदीसों को सुनना है, बार बार हमने ये उलमाए किराम से बातें सुननी है, जमात में जाना है, जमात में ये बातें सुननी है, यही बात होती है, ये तोते की रट नहीं है, क्योंकि हम बना ही इस तरीके से गए कि जब तक हमें झंझोड़ा नहीं जाएगा ना, बार बार झगड़ा नहीं जाएगा ना, वरना तो सुनने के बाद अगर हमें ये शऊर होता, एक ये आयत करने के बाद तो कभी जिक्र को छोड़ने का नाम इंसान ना लेता, कभी किसी मजलिस में कोई जमात बैठ कर जिक्र कर रही हो, इंसान के जहन में भी नहीं आ सकता था कि वो जिक्र इस मजलिस को छोड़ कर यहाँ और चला जाए, इतना नाम। और फिर बनाया कसीरा, कसर से जिक्र करो। अब जो अमल करने वाले हैं भाई, नमाज का हुक्म 5 वक्त आ गया, तो भाई 5 वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हज एक आ गया, अब कसीर के लिए आप क्या जिक्र करेंगे मुझे बताएं, तस्वीर पकड़ेंगे 10,000, 12 तस्वीर, 3 तस्वीर, कसीर तो नहीं है, कसीरी की तादाद तो ये कहते हैं ला तादाद, इसकी कोई अनलिमिटेड, यही है ना, बताओ आप किस तरह करोगे फिर, अल्लाह का हुक्म तो यही है, जो इस हुक्म के बगैर मर गया महरूम मर गया, अल्लाह का तो एक हुक्म भी सारी दुनिया और माफिया से ज़्यादा कीमती इंसान के लिए, एक हुक्म अल्लाह ताला कह रहा है मेरा जिक्र करो, ये जिक्र नहीं है कि भाई हमने इतनी तस्वीर कर ली, बस 5 दफ़ा ये पढ़ लिया, 10 दफ़ा ये पढ़ लिया, 11 दफ़ा ये पढ़ लिया, खुश हो गए हमने जिक्र कर लिया, अल्लाह तो कहता है जिक्र उन कसीर आओ, हाथ तो खड़ा करे, कौन कहता है कसीर जिक्र, फटाफट तस्वीर निकाल लेंगे जेब से, कभी सोचे ये बात नहीं, कभी नहीं सोचा, इसका ना फिक्र है ना गम है, फिक्र हो या आखरत का पता हो या क़यामत का पता हो या पता हो कि ये चीज़ हमारे काम आएगी, इसने हमारे काम आना है, तो आदमी सोचता है, जो चीज़ें काम नहीं आनी जिसका कोई ताल्लुक नहीं, दिन भर हम उसको सोचते हैं, फिक्रों को सवार किया है हमने, दिमागों से उतरती ही नहीं वो चीज़, सोते तब भी वो ख्याल, बैठते तब भी ख्याल, घर में लड़ाई तब भी वो ख्याल, मोहल्ले में लड़ाई तब भी उसके लिए, दुनिया में लड़ाई तब भी उसके लिए, हम नजर लगे क्या हो गया हमारे जहनों,
तो कभी सोचा है क्या, हम तो भाई अगर किसी का जिक्र जी करता हूँ, 10-10 मिनट सुबह करता हूँ, 5 शाम को करता हूँ, 3 करता हूँ, अल्लाह के बंदे अल्लाह तो कह रहा है जिक्रन कसीरा, ये कसीर कहाँ चला गया? आज या कल हमने जाना है अल्लाह के दरबार में पेश होना है, तो हम क्या अल्लाह जब कहेगा कि इतना बड़ा कुरान मैंने जगह जगह ये बात की थी, मेरा जिक्र करो कसरत से करो, तूने क्या किया? जी मैं करता था सुबह 5 तस्बीह करता था, शाम को 3 करता था। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो कहा था कसीर का, तो तूने कसीर किया। अब हम मैं और आप कसीर जिक्र करना चाहते हैं, या अय्युल्लज़ीन आमनू ज़िक्रन कसीरा, कैसे करें? कसरत क्या चीज है? कसरत की तारीफ थी ला तादाद, यानी कोई वक्त भी ऐसा ना हो इंसान का जो जिक्र के बगैर हो सकता है तो अल्लाह पाक ने किया है, अल्लाह ताला तो कोई हुक्म ऐसा नहीं देता जो इंसान ना कर सके। ये तो हम कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है ही कुछ नहीं, अल्लाह ने सबसे आसान करके चीज हमें अता फरमाई है, और खासतौर पर इस उम्मत को, नबी ये कहते हैं जो उम्मत है उसको तो आसान से आसान चीजें अता फरमाई है। मुश्किल से पिछली उम्मतों के हाल देखें, तौबा के हाल देख लेंगे, तौबा कैसे होती थी। आज तो हम बैठते हैं, रमज़ान आया और जनाब इंतज़ार कर रहे हैं उसका, रात का शबे कदर का, बैठेंगे बस नीचे झुकेंगे और जनाब अल्लाह से कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे, लगा सारे मैंने तेरे माफ़ कर दिए। होता था उम्मतों के साथ, कितनी अफसोस की बात है, आंदा से ये वादा कर लें अपने आप से, कभी अल्लाह का कोई हुक्म आ रहा है या कोई दीन की बात आ रही है तो कभी ना कहना मुश्किल है, वादा करते हैं ना अल्लाह को नाराज कर देंगे, लगा अच्छा मैंने आसान भेजा, ये क्या कहता है? हमेशा कहें कि ये हमारी नफ्स की शरारत है, हम कमज़ोर हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमें ताकत रखे, कभी ये ना कहें अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया, ये रोज़े तो बड़े मुश्किल हैं, अभी 22-20 घंटे के हैं, अल्लाह को पता नहीं था कि इस मुल्क में इन्हें जाना है, इस मुल्क के ये दस, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, सब कुछ बनाया है, तो यहाँ रोज़ा रखना इस वजह से कि ये रोज़ा बड़ा मुश्किल है, 20 घंटे के फला फला फला। मैं तो कहता हूँ आप खुद सोचें, 4 रोज़े हो गए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? भूख ही नहीं लगी अभी तक, भूख ही नहीं लगती, प्यास नहीं लग रही, और उसकी पूछे भी भाई आप कहाँ रोज़े रख रहे हैं जी? हम तो जी वहाँ जी इंग्लैंड में हैं इस वक्त, बोलते में रोज़ यार कितना रोज़े, यहाँ पास 2 बजे शुरू होता है, कहीं तो 1 बजे शुरू हो जाता है, उसके बाद 10 बजे खुलता है, और लाओ 20 घंटे रोज़े, 22 घंटे रोज़े, और जो रखने वाले मज़े से बैठे मज़े से बातें सुन रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, किसी जहन दिमाग में सोच नहीं रहा कि भाई रोज़ा खोलने, और जब ऐसी बातें हों अल्लाह की मोहब्बत की बातें तो जो थोड़ा बहुत हनूदी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। कौन कह सकता है कि भाई रोज़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ने दिया है वो आसान है। जब मुश्किल लग रहा था रमज़ान से पहले, अच्छा भाई अब रोज़े आ रहे हैं यार, लग रहा था ना जंप इट, अल्लाह की रहमत में गए तो मुश्किल क्या हो तो रहमत ही रहमत है। मैं कोई आपसे गलत बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कैफियत आपको बता रहा हूँ, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ मैं तो, आप तो नेक आदमी, मैं तो पेटू आदमी हूँ, खत्म खाने पीने वाला साल में एक दो, भाई मुझे ये लग रहा है तो आप तो नेक इंसान हैं, फरिश्ते लोग हैं, आपको कितना आसान लगता हो ये रोज़ा, कितने मज़े लेते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने की बात यह है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं, तो अल्लाह कहेगा कि भाई कसीरा जिक्र क्या कसीर करो, तो आज ये मसला हल कर दूँ मैं आपका कसीर का, या रहने दूँ? होना चाहिए तो जिक्र करते ये तस्वीर तो बंद करें, तस्वीर डब कर दें, क्यों पैसा खर्च करते हैं तस्वीर पर, ये रंग बिरंगी तस्वीर रखी है लाल नीली पीली, ये इसमें वो रिया भी निकलाती, मना नहीं कर रहा आपसे, कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो अल्लाह ने कहा कसीर एक आसान चीज़ आपको दे रहा है तो आप क्यों भागते हैं इस दूसरों की चीज़ों की तरफ? मसला हल करूँ आपका, करेंगे फिर तस्वीर को नहीं निकालेंगे जेब से कभी जिक्र के वक्त नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं बंदे कैसा पागल आदमी है, अपने वजूद पर तू नजर मार, आँख तुझे देखने के लिए दी, नाक तुझे सुनने के लिए दी, जबान बोलने के दिया, गुफ्तगू दिया, तलावत कुरान दिया नहीं दिया अल्लाह, हाथ कितने कामों के तुझे दिया, पेट खाने पीने के लिए दिया, गुर्दा अपना काम कर रहा है, जिगर अपना काम कर रहा है, पित्ता अपना काम कर रहा है ना, पत्नी कितनी हजारों लाखों करोड़ों नसें जो अपने अपने काम पर लगी हुई हैं, एक नस ब्लॉक हो जाए ना बस जी ब्लॉक हो गई ब्लॉक हो गई ब्लॉक हो गई, ये तो हमारा हाल है, एक छोटी सी नस होती है वो ब्लॉक हो जाए ना बस ये मर गया बनता आदमी तो खत्म हो गया, ये तो हमारी जिंदगी है, हर चीज निजाम अपना काम कर रहा है, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, जबान क्या टेस्ट ले रही है, पेट पूरा काम कर रहा है, हाथ उंगलियां पूरा काम कर रही है, तो अल्लाह ताला के जो एक चीज मैंने बनाई है वो दिल है, और दिल मेरा जिक्र के लिए है,
जिक्र किसके लिए है? दिल के लिए. दिल किसके लिए है? हम हार्ट फेल तो हमारे हुए हैं, हमारे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, फेल ही है ना हमारा दिल, इसको कहते हैं दिल फेल. आपने हदीस सुनी थी कि जिक्र करने वाला जिंदा है और ना जिक्र करने वाला मुझे बोलो तो हम मुर्दे हैं जिंदा हैं. दिल तो नहीं जिक्र करता, तस्वीरें करती हमारे अल्लाह आसमान, दिल को अल्लाह की तरफ लाओ. अल्लाह जब दिल अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो जाएगा तो कसीर जिक्र में आप पहुंच जाएंगे. मुझे आप बताएं कि गुर्दा जो चल रहा है आपका, आप उसके तरफ तवज्जो करते हैं या शीशे में देखते हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, पानी निकाला कभी देखा है आपने उसको? पता ही नहीं वो है किधर, गुर्दा अपना काम कर रहा है, हम तो टिकाए जा रहे हैं. पेट को देखा कभी, इतना सा पेट है, स्टोमिक कितना है, मुट्ठी के बराबर. कभी देखा कि आम किधर जा रहा है, खजूर किधर जा रही है, चूड़ा किधर जा रहा है, समोसा किधर जा रहा है, पता चलेगा जो कुछ होगा थोड़ी देर के बाद, क्या कुछ अंदर जाएगा, कभी देखा आपने? नहीं, बस अंदर काम पे छोड़ दिया. मेरे भाई अल्लाह दिल की तरफ आपने थोड़ी देखना है, आपने तो जिक्र करना है, दिल खुद करता रहता है. ये क्यों सोचते हो कर रहा है या नहीं कर रहा, कर नहीं, एक दफा किसी अल्लाह वाले के पास जाकर अपने कल्ब को जारी फरमा दो. ये उस्ताद से सीखना पड़ता है, ये इलम है, बहुत बड़ा इलम है. अलिफ बा सीखने के लिए हमें उस्ताद की जरूरत पड़ती है, तो ये जिससे कायनात चलती है अल्लाह के जिक्र से, उसके लिए हमें उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी. बताए ना, किसी उस्ताद के पास जाके कि उस्ताद हमें भी अल्लाह का जिक्र सिखाएं कैसे चलते हैं. इनको मशाइख कहा जाता है, अल्लाह वाले कहा जाता है. जिनको शौक और जौक होता है वो जाते हैं कि जी हमें भी बताएं, हम भी तस्वीर छोड़ें, दिल अल्लाह का जिक्र करें. वल्लाह पहली निशत में, पहली सोबत में, पहली गुफ्तगू में अगर ये दिल मशीन ना बन जाए अल्लाह जिक्र करने का, तो मुझे बताएं चलना शुरू हो जाएगा. अब आप उसको रोकना भी चाहें तो रोकोगे ना, आप सो रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, इसको कहते हैं कल्ब जारी करना. यह है मराकबा जिक्र, जिक्र कल्बी इसको कहा जाता है. शेख हदीस की तारीफ लिखी है और अल्लाह ताला ने कहा है कि आसान जो चीज मैं आसान करता हूं उस पर इनाम भी बुलंद करता हूं. सुभान अल्लाह. देखिए जब जिक्र इतना आसान कर दिया हमारे से, तस्वीर निकाल दी, गिनती निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया, तो इनाम क्या दिया कि 70 गुना अफजल है ये जिक्र उससे जो तो तस्वीर से करता था. क्यों वक्त ज़ाया करते हैं अपना, तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा जिक्र उन कसीरा से मुराद क्या है कि दिल का जिक्र करो, कल्बी जिक्र करो, मराकबा जिक्र करो. वो कम अल्लाह ताला का सब बेहू बुक रहता हूँ असीरा. अल्लाह ताला ने पूरा प्रोग्राम दिया अपने जिक्र का, चलो भाई सारे दिन सारी रात तुम्हारा दिल जिक्र करेगा, लेकिन इसमें तो कुछ घड़ी ऐसी होंगी सब बहू बुक. सुबह और शाम अल्लाह ताला कहता है कि मुझे पसंद यह है कि सुबह शाम तो सब जमा हों जिक्र करने वाले, अहवाल पूछें अपने. अल्लाह मैं जमात की शक्ल में देखना चाहता हूँ. अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपनी जमात को देखना चाहता हूँ कि भाई चलो सारा दिन तो तुम्हारा इधर भी जिक्र हो रहा है, उधर भी इनफरादी जिक्र कर रहे हो, इनामात मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मेरा दिल करता है कि जब सुबह शुरू हो और दिन शुरू हो मेरी रहमतों का, और जिस वक्त दिन रहमतों की और रात को दिन की डायरी बंद हो रही हो, तो मेरा दिल करता है इब्तिदा में भी इंतहा में मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ कौन लोग हैं जिक्र करना चाहते हैं. हम इसलिए जमा किया है अल्लाह ने सब बहू बकर, मैं नहीं कह रहा कुरान कह रहा है, सब बहू बकर सीधा सुबह भी और शाम को भी. अल्लाह कहता है कि ये दो वक्त तो मुझे इतने पसंद है, कितने पसंद है, कहते हैं मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है मैं नहीं कहता, मैंने तो हुक्म दिया है इसकी तशरी मेरे महबूब करेंगे. अल्लाह हुक्म तो मैंने दे दिया, तशरी कौन करेगा, मेरा महबूब करेगा. हदीस अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कितने बुलंद चीज है सुबह और शाम का जिक्र. बैठो कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी पढ़े कि मुझे सुबह सुबह की नमाज के बाद और सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद दो वक्त बताएं पसंदीदा, सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद. अल्लाह के फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र करने वाले जमात के साथ बैठना इतना महबूब है, इतना पसंद है, इससे भी ज्यादा पसंद है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से 4 गुलामों को मैं आजाद करूं, उससे भी ज्यादा मुझे महबूब है. इसकी कितनी बड़ी सनद हमें और चाहिए बताइए, कि अल्लाह के महबूब को ये चीज महबूब है तो जो ये अमल करेगा वो भी महबूब बन जाएगा. जब कोई महबूब चीज की महबूब चीज को आप अमल करेंगे पसंद करें, मिसाल के तौर पर आपको भाई ये चीज पसंद है कि मुझे फला चीज बहुत पसंद है, मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है, आप किसी दोस्त से कहते हैं
कल आप देखते हैं वो परफ्यूम लगा के उसने वो परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया, अच्छा आपने भी लगा लिया, मोहब्बत हो गई या नहीं हो गई, दिल मिला या नहीं मिला, क्योंकि दोनों की एक चॉइस होगी कि मुझे ये चीज़ पसंद थी, मैंने उससे तस्करा किया तो उसने भी ये चीज़ शुरू कर दी, तो कहते भाई ये तो बहुत सी हंसी होगी, मोहब्बत होगी, इसने ये चीज़ पसंद कर ली, सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो औकात में बैठना मेरे लिए बड़ा महबूब है, उसकी मिसाल भी दी है, तो जो इन दो औकातों को कायम कर लेगा, पकड़ लेगा, तो ला महला अल्लाह के महबूब का महबूब बन जाए। नारे लगाते फिरते हैं, कोशिश करते फिरते हैं, अल्लाह के सरकार है जो बस हमें पसंद कर लें, हमें उनसे इश्क हो जाए, हमें उनसे मोहब्बत हो जाए, कितनी दुआएं मांगते हैं। सुबहानअल्लाह, ये दो अमल कर लें आप, सुबह और शाम जिक्र में बैठें, अल्लाह वाले बातें करते हैं कि दिल से जो इन दो जिक्र में बैठ गया, इंशाल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो नबी होंगे ज़ियारत नहीं कर लेगा दुनिया की, महबूब जो हो गया, आखिर पर्दा उठ जाता है सरकार का और बंदा उनकी ज़ियारत कर लेता है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जिक्र है जो मैंने आपके सामने मुख्तसी से बात की कुरान और हदीस के अंदर। तो आप कम से कम ये रमज़ान का वक्त है, रमज़ान के अंदर हम कोई अच्छी आदत डाल दें तो पूरा साल वो आदत रहती है अल्लाह के फजल से। तो आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन कीमती घड़ियों के अंदर ख़ास तौर पर एक तो जिक्र कल भी सीख लें, हम फौरन सीख लें, इसमें तखीर ना करें, वरना आज का सवाब रमज़ान का सवाब ज़ाय हो जाएगा। जैसे अल्लाह के फजल व करम से आप ये देखें कि किसको पता था कि जब असर में हम आ जाएंगे या पहुंच जाएंगे या जिक्र कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब हम जिक्र ख़त्म करेंगे तो कितने सवाब लेके उठेंगे। जो हदीस और कुरान मैंने आप सुनाया, कितना करम होगा अल्लाह का, कितना फजल होगा कि रमज़ान के अंदर हमें वो औकात मिल गए, अल्लाह का जिक्र मिल गया, सुबहान अल्लाह। और क्या चाहिए मुझे बताएं, रोने की मिली गई, अल्लाह की फजल मिल गया, उसी औकात में जो अल्लाह के महबूब को पसंद है उसी औकात में हमें अल्लाह का जिक्र मिल गया। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिक्र को उतारें। हाँ, जिक्र का मतलब ये नहीं बाकी चीज़ें छोड़ दें, अब तलावत भी करें, कुरान भी करें और जो दीन के अमाल हैं सब करें, ये एक अमल है जो बताया गया है। इसी तरीके से को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें और इसको अहमियत दें कि बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह का जिक्र। सबसे पहले अब क्या है कि जिक्र कल भी सीखें, इसमें सुस्ती करना, अपने आप को ख़त्म करना है, तस्बीह को रगड़ा मारना है, दिल की तरफ आएँ, अल्लाह अकबर, इतना आसान होगा। आप आए बैठे, देखा 3 मिनट हैं अभी मस्जिद में, 3 मिनट ठीक है, आँख बंद करें, कोई रिया नहीं कुछ, अल्लाह 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 अल्लाह, एक दफ़ा अल्लाह का, एक दफ़ा अल्लाह कहने से, जबान की बात कर रहा हूँ, दिल की अभी तो बहुत बड़ी बात है, कहने का सवाब जब रोज़े क़यामत में इंसान देखेगा कि मैं इस वक्त ये अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो वो इतना पछताएगा कि इतना बड़ा सवाब था इसका। एक दफ़ा अल्लाह के नाम का इतना बड़ा सवाब है कि पहाड़ों से भी बड़ा, जिसके हम तसव्वुर, एक दफ़ा कहना अल्लाह ये इतना अजीम नाम है और इतनी आसान कर दी अल्लाह पाक ने। मैंने कहा जितना आसान इबादत होगी उतना ही सवाब अल्लाह पाक उसको ज़्यादा देते हैं, इसलिए कि कमज़ोर इंसान भी उसमें शामिल हो, कमज़ोर भी उसमें शामिल हो। ताकत वाला तो तहज्जुद भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, उसमें ताकत नहीं है तहज्जुद पढ़ने की, उसमें ताकत नहीं है ज़्यादा नफिल करने की, उम्र में उस वक्त पहुँच गया है, ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, कुरान तलावत नहीं सीखी, किसी जगह गया नहीं, दीन के लिए निकला नहीं, कुछ ही उसने काम नहीं किया, अब ये रमज़ान आ गया, अब वो देख रहा है लोग तलावत कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, वो बेचारे दिल में कुछ शौक पैदा हो गया, वो क्या करे, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे। क्यों आसान रखा है अल्लाह पाक ने, कितना आसान रखा है कि तू परेशान क्यों होता है, मैंने तो अपने दीन को शुरू ही तुझसे किया है, मैंने तो सबसे पहले गुनाहगारों को देखा है, कमजोरों को देखा है, उन लोगों ने देखा जो मुजाहिदा करने वाले लोग थे, वो तो एक अपनी एक क्लास है, मैं तो उनको भी इस मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत के अंदर पहुंचे आप जन्नत की बाहरों को ले, तो घबराए ना कोई इंसान भी जिसने जिक्र को पकड़ लिया, अल्लाह को कमजोर ताकतवर बन गया और ताकतवर अल्लाह का वली बन गया। ये चलता है सिलसिला बहुत अल्लाह के जिक्र से, हर दरवाजे अल्लाह के जिक्र से खुलते हैं मेरे भाई। मैं कोई कमीशन नहीं मांग रहा आपसे कि मैं इसकी, जिस तरह वो बेचते हैं ना चूरन बेचने वाले होते हैं कि भाई चूरन ये लोग, मैं कमीशन आपसे नहीं मांग रहा, उस जात से मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला कहता है सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मेरे मखलूक को मुझसे मिला दे, बहुत बड़ा इनाम है इसके, जिसमें जोर लगा रहा हूँ, एक बंदा भी अल्लाह का जिक्र सीख जाए तो मेरी आखिरत बन जाएगी अल्लाह के फजल से। इसकी मैं आपको दावत देता हूँ दोस्तों, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए और आपकी आखिरत के ज़रिए, कि अल्लाह का जिक्र सीखें, आज ही कल भी जिक्र सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से रुकावट नहीं होगी। आप नमाज में आएँ, 5 मिनट 2 मिनट जिक्र कर लें, बाहर निकल लें जिक्र कर लें, लेट रहें जिक्र कर लें, तबलीग में गए जिक्र कर लें, अब जिस जगह भी जा रहे हैं 1 मिनट फारिग नहीं होंगे, बस आपने आँख बंद करना है और इतनी राहत, इतना सुकून, इतना आसान और इतना बुलंद, सुबहानअल्लाह।
अल्लाह ताला मुझे भी आपको तौफीक नसीब।